Yes, we are live. Should I start? Yeah, I think so. Yato hastah tato drishti, yato drishti tato mana, yato mana tato bhava, yato bhava tato rasa. जी हाँ, नृत्य की यही सुंदर अभिव्यक्ति है और बहुत खूबसूरत तरीके से कहा गया है. कि जहां हाथ होता है वहां दृष्टि जानी चाहिए, जहां दृष्टि होती है वहां मन स्वाभाविक रूप से पहुंच जाता है, और जहां मन होता है वहां रस उत्पन्न होता है. इस सुंदर अभिव्यक्ति के साथ जी आज हम बात कर रहे हैं नृत्य की. मैं मनीषा गुलियानी, कथक नृत्यांगना, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका इस शो में जिसका नाम है राजस्थान डायरीज. राजस्थान डायरीज एक पहल है राजस्थान टूरिज्म की, जिसमें राजस्थान के विभिन्न पहलुओं को, छुए अनछुए पहलुओं को हम दर्शकों के साथ रूबरू कराते हैं. और मेरा ये सौभाग्य है कि आज हमें ये मौका मिला है कि मैं आप सब के साथ बात कर सकूं राजस्थान की विरासत पर, शास्त्रीय कलाओं को लेकर. और बहुत गर्व के साथ कह रही हूँ, बहुत विनम्रता के साथ भी कह रही हूँ कि हमारे साथ आज इस मंच पर, इस लाइव प्लेटफॉर्म पर जो शख्सियत हैं वो हैं संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित और जयपुर घराने की शान कथक स्तंभ, कथक नृत्यांगना और गुरु विदुश्री प्रेरणा श्रीमाली जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका. धन्यवाद मनीषा. प्रेरणा जी, श्रीमाली जी मेरी गुरु भी हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज ये मौका मिला कि मैं आपके साथ इस मंच पर कुछ बातें कर सकूं और राजस्थान के बारे में हम कुछ परतें शास्त्रीय कलाओं को लेकर खोल सकें. और प्रेरणा जी के बारे में मैं यही कहूंगी कि आपका जो जन्म है और परवरिश है वो राजस्थान में हुआ है, और कथक के बहुत बड़े स्तंभ पंडित, स्वर्गीय पंडित कुंदनलाल गंगानी जी आपके गुरु रहे हैं और आप उनकी अग्रणी शिष्याओं में से एक हैं. और आपने अपने कला का फन देश विदेश में उसका परचम जो है वो फहराया है, और आप कथक नृत्य के दोनों पक्षों, जो उसके दोनों पक्ष हैं नृत्य और नाट्य, दोनों पक्षों पर आप सिद्धहस्त हैं. और आपकी खासियत है कि आपने कथक नृत्य, कथक का जो व्याकरण है उसका जो प्रयोग है वो अन्य विधाओं के साथ, अन्य कलाओं के साथ बखूबी किया है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे उसमें कबीर हो, चाहे अलग अलग भाषाओं की बात हो. और आपको एक बहुत ही गंभीर विचारक, बहुत ही गंभीर कलाकार और एक उम्दा शख्सियत के रूप में कला जगत में सब जानते हैं. तो आपका बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से. और आज हम राजस्थान के साथ जुड़े हैं, राजस्थान टूरिज्म के साथ जुड़े हैं, और जब राजस्थान की बात होती है तो कला की बात अपने आप निकल आती है. राजस्थान की धरती कला, संस्कृति और इतिहास के लिए जानी जाती है. इसके कण कण में ये सब बसा है, रचा है, और कलाओं में सबसे उत्कृष्ट कला के रूप में एक कला जो जानी जाती है वो है नृत्य कला. राजस्थान की गांव, ढाणियों, सब जगह में नृत्य रचता बसता है, और आज तो देश विदेश के बड़े बड़े मंच पर राजस्थान नृत्य कला को लेकर अपना परचम फहरा रहा है. तो प्रेरणा दीदी, आपसे इजाजत लेते हुए शुरुआत करना चाहूंगी, और सबसे पहले राजस्थान और राजस्थान के नृत्य के बारे में आपके विचार आप जरूर सबसे साझा करें. राजस्थान नाम से ही, सबसे पहले जैसा कि तुमने कहा कि राजस्थान इतनी भरी पूरी और इतनी समृद्ध मरुधरा है कि मतलब बहुत गर्व होता है कि मैं यहाँ से हूँ और यहाँ जाई जन्मी हूँ और यही जयपुर घराना ही नाचती हूँ. तो कुल मिलाकर रचा बसा सब मेरे अंदर राजस्थान ही है. और राजस्थान एक ऐसा अनोखा प्रदेश है मेरे हिसाब से कि जहाँ पर कलाओं का समृद्ध संसार है, और ये कलाएं केवल लोक तक सीमित नहीं है, क्योंकि लोक से तो सारी कलाएं आती ही हैं, जाहिर है, और धीरे धीरे उत्कृष्टता की तरफ चलती चली जाती हैं और बढ़ती चली जाती हैं. तो लोक कलाएं जितनी समृद्ध है उतनी ही समृद्ध हमारे यहाँ की शास्त्रीय कलाएं हैं. ये बहुत ही अनोखी बात है राजस्थान के साथ,
जो पूरे देश में, हमारे पूरे भारतवर्ष में शायद ये अकेला ऐसा प्रदेश है कि जहाँ की शास्त्रीय कलाएं भी उतनी उन्नत हैं जितनी की लोक कलाएं उन्नत हैं और जितनी की आदिवासी कलाएं उन्नत हैं। और ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आपको सारे मौसम मिलते हैं, ये ऐसा प्रदेश है जहाँ पर आपको पहाड़ भी मिलते हैं, तो आपको मरुस्थल भी मिलते हैं, तो आपको नदी भी मिलती है और आपको झीलें भी मिलती हैं। जी तो ये इस तरह का प्रदेश है जहाँ पर आप डेजर्ट में जैसलमेर जा रहे होते हैं तो आप आबू पर्वत पे अपनी गर्मियों को मनाने के लिए जा रहे होते हैं। तो ये बहुत ही अनोखी बात है हमारे प्रदेश के साथ और इतनी समृद्ध। और मैंने, क्योंकि मैंने बचपन से यहाँ पर सीखा है, और यहाँ इतना इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पर अगर बच्चा कुछ भी नाचता है तो वो राजस्थानी लोक नृत्य तो जरूर नाचता है, और अगर थोड़ा और चल देगा तो कथक नाचने लग जाएगा। तो ये बहुत अनोखी, मतलब एक कहना चाहिए वरदान है राजस्थान की भूमि को कि यहाँ के कण कण में ये संगीत समाया हुआ। जिस तरह के हमारे लंगा ब्रदर्स गाते हैं, आज पूरे दुनिया में उनका नाम जिस तरह है, कालबेलिया नृत्य भी हमारे यहाँ का इतना प्रसिद्ध हो गया। और मतलब कि बांगड़ियार, लंगा, ये सारे, ये लोग सब जिस तरह गायन शैली इनकी चलती है और जिस तरह से अच्छे अच्छे शास्त्रीय गायक इनके सामने हतप्रभ रह जाते हैं कि जिस तरह की गायकी ये लोग गाते हैं और जिस तरह के जी रागों का विस्तार ये लोग अपने गायन में करते करते हैं। हैं। तो ये, और इसके बाद फिर आपको, आपके पास इतनी तरह की आदिवासी कलाएं हैं, और आदिवासी इतना समृद्ध इलाका, मैं तो पैदा हुई हूँ बांसवाड़ा में जो कि अपने आप में एक आदिवासी इलाका है, जी और तो इसलिए मुझे लगता है कि राजस्थान अपने आप में जहाँ पे गायन वादन नृत्य तीनों समृद्ध हैं और नाट्य भी होता है। हाँ जी जी दीदी, लोक कलाएं और शास्त्रीय कलाएं, इनको अगर आप थोड़ा सा इन पे प्रकाश डालें कि हम किस तरह से लोक कलाओं को समझते हैं और किस तरह से शास्त्रीय कलाओं को समझते हैं, या शास्त्रीयता कैसे पहुंचती है, या हम उसको कैसे पहचानते हैं कि ये शास्त्रीय है, क्योंकि मुझे लगता है कि आम लोग के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है लोक कला और शास्त्रीय कला के बीच अंतर करना। बिल्कुल ठीक बात, अच्छा सवाल है तुम्हारा, क्योंकि ये करते करते हमें भी समझ में आया और फिर पढ़ने से भी समझ में आया। क्योंकि लोक कला, जैसा कि शब्द और नाम से जाहिर हो रहा है कि आप लोक में समाई हुई, और जन जन में समाई हुई, इसके अलावा इसमें जन जन जनता की और एक आम जनता की भागीदारी स्वतः हो जाती है कि अगर आज कहीं विवाह है या कोई भी उत्सव है और वहां अगर कोई नृत्य हो रहा है लोक संस्कृति को लेकर, या गणगौर गाई जा रही है, या इस तरह के गीत हो रहे हैं, पड़िहारी गाई जा रही है, तो लोग उसमें स्वतः शामिल हो जाते हैं बिना किसी प्रॉपर ट्रेनिंग के या बिना किसी प्रॉपर गाइडलाइन के। वो हो सकते हैं क्योंकि आप उसमें मूवमेंट फॉलो कर लेते हैं, पर जब आप शास्त्रीय कलाओं की तरफ आते हैं तो आपको उसमें एक गुरु की जरूरत पड़ती है, और उसके बाद आपको उसके अंदर एक क्रमवार सीखने की जरूरत पड़ती है। क्योंकि जी शास्त्रीय, जो कि शास्त्र पे आधारित है, जी लोक जो है वो पूरी तरह से हमारे समाज में समाया हुआ है, हमारी हर रिचुअल में, हमारे हर संस्कार में, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारे जितने 16 संस्कार होते हैं, उन संस्कारों में हर जगह हम उत्सव मनाते हैं, और वो सारा लोक संस्कृति है, जी उसमें गायन भी है और नृत्य भी है, उसमें जी कोई भी कभी भी शामिल हो सकता है, सम्मिलित हो जाता है। और जैसे कि विवाह गीत होते हैं, कितने इतने उत्कृष्ट हैं हमारे यहाँ पे विवाह गीत। उन विवाह गीतों बिल्कुल में कोई एक एक स्त्री जो है वो घूंघट लेकर और एक लीड लेना शुरू करती है और फिर पीछे सब गाना शुरू कर देते हैं और अजब समा बन बिल्कुल जाता है उससे। तो वो जो एक बात है वो शास्त्रीय में इसलिए नहीं हो पाती कि शास्त्र पे आधारित होना पड़ेगा और आपको उसका एक बाकायदा भाषा की तरह सीखना पड़ेगा। जी तो ये जी जी एक बड़ा डिफरेंस ये है। इसके अलावा तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, पर बड़ा डिफरेंस ये है कि जहां आपको शास्त्र पे आधारित क्रमवार एक पूरी तरह से शिक्षण पद्धति के साथ चलना पड़ता है, वहां शास्त्रीय कलाएं आती हैं, और जहां पे आप संस्कृति से जुड़ के और आप स्वतः बहने लगते हैं एक बिल्कुल नेचुरल फ्लो में, वहां पे लोक कलाएं आ जाती हैं, ऐसा मुझे लगता है।
जी, ये राजस्थान का होने के नाते मतलब बहुत सारे मजेदार अनुभव हुए हैं जब कभी विदेश में जाके परफॉर्म करने का मौका मिला। और जैसे उन्होंने मुझे बोला कि अच्छा आप राजस्थान से हैं, तो बिल्कुल दे फॉरगेट कि वो कथक, मैं कथक करने आई हूँ, वो सीधा एग्जैक्टली कालबेलिया, घूमर और बिल्कुल आतिथ्यों की बात बात करने सही लगते हैं। तो बात। मुझे यहाँ कभी तो घूमर कभार, जी कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि अरे कथक कथक भी राजस्थान से है। मतलब उन्हें बताना पड़ता है कि देर इज अ जयपुर स्टाइल ऑफ कथक घराना जो कि अपने आप में बहुत रिच है और मैं कथक करती हूँ। तो मतलब लोक नृत्य तो पूरी दुनिया में सब जानते हैं और इसको खैर वो है भी इतना सुंदर कि सब उसको खींचे चले जाते हैं उसके साथ। बट मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ या शास्त्रीय हमारी जो वादन शैलियाँ हैं, गायन शैलियाँ हैं, चाहे वो डागर घराना हो, चाहे वो ध्रुपद घराना हो, चाहे वो मेवाती घराना हो, उन सब के बारे में सीधा राजस्थान से लोग शायद कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, ऐसा हाँ, मुझे लगता है। जी ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है और मैंने यहाँ पर कई बार ये बात उठाने की कोशिश भी की है, क्योंकि राजस्थान की, जैसा मैंने शुरू में कहा, कि शास्त्रीय कलाएं उतनी ही उन्नत है। यहाँ का जयपुर घराने का कथक है, जयपुर घराने का हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत है, ख्याल गायकी जिसे कहते हैं, डागर वाणी जैसे आप बोल रहे हो वो है, पखावज वादन है जिसका जयपुर घराना है, ये सारे ध्रुपद गायन तो है जो डागर वाणी हम बात कर रहे हैं, तो ये सारा के सारा यहाँ पर जो समृद्धि है, ऐसा अभी तक ये नहीं हो पाया कि अगर आप और जयपुर घराने के जो कलाकार हैं वो इतने बाहर जाकर उन्होंने अपना नाम किया है। चूरू सुजानगढ़ वो प्रदेश है जिसने कथक के धुरंधर गुरु लोग पैदा किए हैं, मेरे गुरु जी भी वहीं से थे। तो जी मतलब वो चूरू सुजानगढ़ तो कथक की कहना चाहिए जड़ माना जाता है। वहां पे इतना कथक फैला हुआ है, वहां से इतने लोग निकल के आए हैं बीकानेर से, और जी जैसा कि जानकी प्रसाद जी तो गए बीकानेर से हैं, बीकानेर से हैं। हाँ जी हाँ, जिन्होंने फिर बाद में बनारस घराना बनाया, और जयपुर घराना तो पूरी तरह से यहाँ से निकला। हम जब छोटे थे और हम यहाँ पे नृत्य सीखते थे तो हम कथक सीखते थे, स्कूल में भी कथक होता था, तो अलग अरे से भी वाह, कथक सीखते थे। हाँ, स्कूल में भी ओ कथक होता था, और ताते ही तक तो मतलब जैसे लगता था कि ये तो डांस तो यही होता है, हमें नहीं मालूम था ये कथक है, और फिर ये तो बिल्कुल नहीं पता था कि जयपुर घराना है। पर अब जब पता चला है, और कथक है, नाच रहे हैं, अच्छा लग रहा है, तो ये होता था, तो इसलिए कथक का जयपुर घराना, और जैसे अब शास्त्रीय संगीत, ख्याल गायकी, कितने बड़े बड़े गायक, किशोरी मोहनकर जी और मल्लिकार्जुन मंसूर जी, ये ऐसे ऐसे गायक, धुरंधर जयपुर गतरौली घराना, हाँ इतनी जी बड़ा घराना है ख्याल गायकी का। पर हमारे यहाँ पर वो समृद्धि, आप अगर आप देखें तो राजस्थान में आपको वो सारे कलाकार नहीं नजर आते हैं उस हाँ स्तर के। और मुझे लगता जी है कि बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हमें यहाँ पर ये सोचना चाहिए कि क्या ये संभव है कि जितने भी शास्त्रीय कलाएं हमारे यहाँ हैं वो सब यहाँ पर किसी एक छतरी के नीचे आ सके, और ऐसा हो सके कि अगर किसी को जयपुर घराने का कुछ भी सीखना है शास्त्रीय रूप, क्योंकि राजस्थान में ही सीखने के लिए, लोक कलाएं सीखने के लिए तो लोग यहाँ आते ही हैं, चाहे बिल्कुल फिर वो हमारा संगीत, लोक संगीत है या नृत्य है या फिर शिल्प है या फिर बांधनी है या लाख की चूड़ियां है, सब हमारी तो जी कलाएं बहुत सारी हैं। पर जी ये जी भी होना चाहिए कि शास्त्रीय कलाएं, अगर जयपुर घराना आपको जानना है, सीखना है, तो आपको जयपुर आना है बिल्कुल और आपको बिल्कुल राजस्थान में आना है। और ये जी एक तरह से अभी हम जिस प्लेटफॉर्म पे बात कर रहे हैं टूरिज्म, तो मुझे लगता है ये सांस्कृतिक टूरिज्म सबसे बड़ा हो सकता है कि हाँ जितने भी विदेश, क्योंकि विदेश से लोग बहुत आते हैं सीखने के लिए, जी और आज अगर जी विदेश से लोग अगर जानना चाहते हैं कि जयपुर घराने का कथक नृत्य क्या होता है, जो कि बहुत प्रसिद्ध घराना है, तो उन्हें जयपुर आना चाहिए और उनके लिए यहाँ पर वो व्यवस्था होनी चाहिए, और यहाँ पर लगना चाहिए कि जयपुर घराने का कथक नृत्य इस तरह यहाँ हो रहा है कि जो भी देखना चाहे वो यहाँ आ जाए। अगर हाँ ख्याल गायकी है उसको सिखाने के लिए यहाँ पर ऐसे लोग हों जो कि सिखा सके लोगों को, द्रुपद जी पखावज, जैसे नाथद्वारा में जो मंदिर में पखावज वादन है, हमारे गुरु जी पुरुषोत्तम दास जी पखावज जी वो वहीं पर थे, और वहां पर वो जयपुर घराने के पखावज सिखाते हैं। तो हाँ ऐसा मुझे लगता है ये बिल्कुल संभव है अगर कोशिश की जाए कि हम सब यहाँ पर शास्त्रीय कलाओं का भी उतना ही जमावड़ा करें जितना कि लोक कलाओं का है। जी बिल्कुल बिल्कुल दीदी, मतलब इवन मेवाती घराना
जो है पंडित जसराज जी, जिसके लिए मतलब जिनका घराना मेवाती घराना जो वो गाया जाते थे, उनकी गायकी की खास बात यही थी, तो वो भी हमारे राजस्थान की ही देन है। और ये सब मतलब क्योंकि जब हम शास्त्रीयता की बात करते हैं तो शास्त्रीयता जैसा आपने कहा कि शास्त्र सम्मत जो है और जो शास्त्र को फॉलो कर रहा है, तो जब हम शास्त्र को फॉलो करने लगते हैं तो हम वैचारिक रूप से एक उन्नत स्थिति में होते हैं। और जब हम वैचारिक रूप से उन्नत स्थिति में होते हैं तो अगर ऐसा लगता है कि राजस्थान को अगर शास्त्रीय कलाओं के लिए भी जाना जाए, वो उसका पर्याय बन जाए, तो हमें जो वैचारिक स्थिति है समाज की वो भी उससे दर्शाई जाती है। और वो उससे, और नॉट ओनली परफॉर्मिंग आर्ट्स, हमारे यहाँ म्यूजिक एजुकेशन, आर्ट एजुकेशन पे बहुत काम हुआ है, हमारे यहाँ म्यूजिक लिटरेचर पर बहुत काम हुआ है। मीराबाई जो हैं उन्होंने मतलब जो सर्वसम्मत जो सब लोग जिनके बारे में जानते हैं, वो खुद उन्होंने इतना सारा काम किया है, वो खुद बहुत अच्छा संगीतज्ञ रही हैं। तो इस पर भी मतलब मुझे लगता है कि लोगों का जो मानस है, जो विचार है कि भाई राजस्थान इज फॉर फोक आर्ट्स एंड कल्चर, ऑफ कोर्स इट इज़, इसमें तो कहीं कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन इक्वली इट इज फॉर क्लासिकल आर्ट्स टू, शास्त्रीय कलाओं के लिए भी है। तो आप भी इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? नहीं, मैं तो जैसे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर जैसे एक परंपरा है, जिस तरह रही है यहाँ पर, यहाँ जैसे गोविंद देव जी के मंदिर में हाजिरी होती है जी, और वो एक इतनी पुरानी परंपरा आज भी हमारे यहाँ चली आ रही है, क्योंकि हम हमारी सारी कलाएं जो है मंदिरों से सीधा जुड़ी हुई जी। और इसका ये बिल्कुल प्रमुख उदाहरण है कि आज भी जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में कथक नर्तक और नर्तकियां हाजिरी देते हैं, होली पर इतना बड़ा जमावड़ा होता है। और गुरु मोहनलाल जी जो जयपुर घराने के वरिष्ठ गुरु थे, उनके बारे में प्रसिद्ध है कि वो जब तक वहां हाजिरी दे के दर्शन नहीं करते थे वो पानी नहीं पीते थे। तो ये इस तरह की चीजें जब रही हैं यहाँ के राजघराने में, जिस तरह से कलाकार गुरु नानक प्रसाद जी रहे हैं और उन्होंने जिस तरह उनके नृत्य को आज मेरे पिता और उनकी उम्र के लोग याद करते हैं और कहते हैं कि जब वो नाव की गत करते थे तो ऐसा लगता था कि जैसे हम खुद हिंडोला ले रहे हैं पानी में, इतना खूबसूरत वो लोगों ने देखा है करते हुए। तो वो सारी कलाएं, मतलब थोड़ा सा मुझे अफसोस होता है कि राजस्थान में उसको पकड़ के रखा नहीं, राजस्थान की मरुभूमि से वो लोग छूट के कैसे निकल गए, क्यों ऐसा हो गया, इस पे बहुत विचार होने की जरूरत है। और जैसा तुम कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो कि लोक कलाओं के लिए तो हम दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं, जैसे ही आप बंधेज की साड़ी पहनते हैं सबको पता है राजस्थान से है, जैसे आपने लाख की चूड़ी पहनी जो मैंने भी पहन रखी है आज, कि लाख की चूड़ियां अगर आपने पहनी तो वो भी आपको पता है कि यहाँ से आएगी। पर क्यों आपको ये पता नहीं है कि अगर आप जयपुर घराना नाचते हैं तो वो राजस्थान से आ रहा है और वो जयपुर जी, मतलब आनंद आ जाता है जब हम किसी गांव या ढाणी में या किसी लोक कलाकार को मिलते हैं और जब हम उनसे पूछते हैं उनकी प्रस्तुतियों के बारे में, उनको देखते हैं तो वो ऐसे गर्व से बताते हैं, अजी हम ना 40 देश घूमे हुए हैं, या हम 60 देश घूमे हुए हैं, या हम 80 देश घूमे हुए हैं, मतलब ऐसा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है शास्त्रीय कलाओं में जो लोग यहाँ सालों से बरसों से उनको साध रहे हैं, उनको भी इसी तरह के प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसी तरह के एक्सपोजर की ज़रूरत है, ताकि वो भी समाज को दिखे और हम गर्व से कह सकें कि ये सब हमारे देश से उत्पन्न हुआ है और हमारा है। और भी एक बात है मनीषा, कि राजस्थान इतना समृद्ध है शिल्प में, और राजस्थान में इतने सारे किले और हमारे पास हेरिटेज साइट्स इतनी सारी हैं जी, मतलब देखा जाए तो क्योंकि मैं राजस्थान से हूँ तो मैं जब किसी ऐसे शहर में चली जाती हूँ जहाँ पर कोई हेरिटेज साइट ना दिखे तो मैं विचलित हो जाती हूँ, मुझसे नहीं रहा जाता है। तो क्योंकि आपने देखा है शुरू से कि आप जिधर नजर घुमाते हैं आपको कोई कंगूरा कोई ऐसा शिल्पाकृति नजर आ जाती है जो कि सदियों पुरानी है। तो आज जब इतनी सारी साइट्स आपके पास है, सिर्फ एक शहर में नहीं, जयपुर में, जोधपुर में, बीकानेर में, उदयपुर में, कोटा में, बूंदी में, सब जगह आपके पास ऐसे ऐसे किले और ऐसी ऐसी स्थितियां और ऐसी ऐसी जगह है जहां पर आप हर तरह से कोई फेस्टिवल्स कर सकते हैं,
बिल्कुल शास्त्रीय कलाओं के लिए ऐसी जगह पैदा कर सकते हैं कि लोग इंतजार करें, जैसे कि खजुराहो के लिए होता है, हाँ जी, ठीक है, एक इंतजार होता है कि भाई वहां पे एक फेस्टिवल होता है और वहां पर और कुछ नहीं होता है, वहां पे सिर्फ वो एक फेस्टिवल होता है जिसकी वजह से वो आज अंतरराष्ट्रीय लेवल का ख्याति प्राप्त कर चुका है, एंड पीपल वेट फॉर इट दोस 15 डेज, हाँ जी जी, एंड इट्स अ डेस्टिनेशन, इट्स अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन कंप्लीटली बिकॉज ऑफ दैट फेस्टिवल, वो फेस्टिवल होता है, बस एक फेस्टिवल होता है वहां। हम तो यहाँ पर हर, क्योंकि हमारे पास तो सारे मौसम है, हमारे इतने सारे त्योहार हैं, हम इन सारे त्योहारों को गूंथ के चल सकते हैं जिसमें लोक और शास्त्रीय की ऐसी बिछात हो सकती है कि जिसको बयान नहीं, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जयपुर में ही इतनी सारी साइट्स हैं और जोधपुर में इतनी सारी जगह है, और मुझे लगता है कि जब कलाओं पे, अगर आप कलाओं पे खर्च करना तो पड़ेगा, क्योंकि पहले कलाएं राजाश्रय में चलती थी, पर उसके बाद अब राजाश्रय तो नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि हमारे हेरिटेज को, हमारी संस्कृति को सहेजना हमारी जिम्मेदारी भी है, हमें ये भूलना नहीं चाहिए। आज हमारी जो नई जनरेशन है, मेरे से बाद और उसके बाद वाली जो जनरेशन हमारे सामने जी, है, उस जनरेशन को ये मालूम होना चाहिए कि राजस्थान से ये कलाएं किस तरह निकली, और उसका जैसा कि एकेडमिक्स भी की तरफ भी उसकी उसका होना चाहिए कि राजस्थान का जो इतिहास रहा है उसका फिर से एक बार राइटिंग में ये सारा अकाउंट हमारे पास आना चाहिए। हमें हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हम ऐसे लोगों को, स्कॉलर्स को कहें कि आप आके यहाँ रहिए, आर्टिस्ट रेजिडेंसी यहाँ रहिए और यहाँ काम करिए। बिल्कुल दीदी, इवन जैसे हम बात कर रहे हैं, आपने कहा सहेजने की, क्योंकि अगर हम सहेजना शुरू करेंगे और इस तरह की चीजें यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी और आम हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि फिर कलाकारों को भी राजस्थान से कहीं और जाने की जरूरत पड़ेगी। किशोरी अमोनकर जी यही पैदा होंगी, यही रहेंगी, पंडित जसराज जी भी यही पैदा होंगे और यही रहेंगे, मतलब जी जी, ये बिल्कुल जरूरी बात है, क्योंकि क्यों ऐसा होता है कि मैंने यहाँ पे, मैं जाई जन्मी हूँ, पर मैंने दिल्ली जाके मैंने नृत्य सीखा उन्हीं गुरु जी से जो कि यहाँ पे थे, फिर वो यहाँ पे अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाए और इसलिए वो दिल्ली चले गए, और तब मैं फिर दिल्ली चली गई उनसे सीखने के लिए, और वो फिर दिल्ली में ही रहे पूरे टाइम। आज भी जितने कथक के महान कलाकार हैं, हाँ जी, वो या मतलब बहुत बिरले, जैसे अब गिरधारी जी सर हैं कि वो यहीं पर हैं, और ये बहुत बड़ी बात है उनकी कि वो यहाँ पर हैं और यहाँ रहकर उन्होंने कार्य किया है, तो पर बाकी बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि आपको वो सारा एनवायरनमेंट भी मिलना चाहिए, क्योंकि शास्त्रीय कलाएं, जैसा तुमने शुरू में पूछा कि लोक और शास्त्रीय में फर्क है और क्या है, क्योंकि लोक के लिए आपको वो नियत स्थान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर शास्त्रीय कलाओं को एक सर्टेन एटमॉस्फेयर चाहिए, एक सर्टेन तरीके, एक निश्चित तरीके की जगह, एक जमीन चाहिए जिसपे वो की जा सके और जिनको बढ़ता जा सके, और उनको देखने के लिए एक पूरी तरह से संस्कृति जन्य मानस भी चाहिए जी, और जो कि राजस्थान में बहुत उपलब्ध है, बहुत उपलब्ध है, लोग बहुत जानते हैं उनके, आज जन जन में राजस्थान में लोग लोग जिस तरह से बातें करते हैं, जिस तरह से उनके कथाएं कहते हैं, और जिस तरह से उनको पुरानी चीजें याद हैं, ये बड़ा बिरला है। हाँ, मुश्किल काम है। इनफैक्ट दीदी, मतलब जैसे हम दूसरे प्रदेशों में जाते हैं, खासकर मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, जैसे हम उड़ीसा जाते हैं, तो उड़ीसा के हम एयरपोर्ट पे उतरते हैं, तो वहाँ पे हमें ओडिसी डांसर्स डांसर्स कैसे बड़े बड़े पोस्चर्स और फोटोग्राफ्स देखने को मिलते हैं। अच्छा, बात ये है कि उन फोटोग्राफ्स या उन सिर्फ पोस्चर्स को देख के ही हमें ऐसा लगता है, ओ माई गॉड, हाईली इंटेलेक्चुअल स्टेट, मतलब उसको देख के ही हमें ऐसा लगता है कि यहाँ लोगों से बात संभल के करनी पड़ेगी, ऐसा। तो ये चीज, मनीषा मैं बात काट रही हूँ आपकी, मैं आपको बताऊं कि जब मैं छोटी थी तो जयपुर में ये एटमॉस्फेयर था, जयपुर में एक ऐसा एटमॉस्फेयर मैंने देखा है जहाँ पे सारे, हमने तो बचपन में सारे बड़े बड़े कलाकार, मैं 19 बरस की उम्र में यहाँ से निकली, पर उसके पहले हमारा संस्कार तो यही बन गया कलाओं का, और हमारे माँ पिता हमको लेकर जाते रहे, हमने सारे बड़े कलाकारों को, बस जसराज जी, पंडित भीमसेन जोशी, बेगम अख्तर, बिरजू महाराज जी और सोनल मान सिंह जी, ये सारे जो बड़े नाम हैं, इन सबको हमने यहाँ बचपन में देखा और सुना है,
जी 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 ड्रामा में हमने देखा है तो हमने ओम शिवपुरी जी और सुधा शिवपुरी जी और सारे बड़े बड़े कलाकारों को यहाँ देखा है। दिल्ली से बड़े बड़े फेस्टिवल्स करने के लिए लोग यहाँ आते थे और जयपुर में आने के लिए कलाकार थोड़ा सा सोचता था कि मुझे क्या करना है, क्योंकि जयपुर में लोग जानते हैं, ये बात मैंने देखी है, तो ये एटमॉस्फेयर था, इसलिए हाँ मुझे जी लगता है वो जो रूप था उसको फिर से एक बार पानी देने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट दीदी, जब जयपुर से बाहर या राजस्थान से बाहर जाके हम परफॉर्म करते हैं तो लोग उसको हल्के में नहीं लेते हैं। ऐसे जयपुर घराना जयपुर से है तो दे टेक इट वेरी सीरियसली, और उनकी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होती हैं तो मजा आता है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। लेकिन यही चीज, मतलब ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ना हमें यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है, और अगर मिसिंग नहीं है तो जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा पानी देने की जरूरत है। पानी देने की जरूरत है, और बिल्कुल जी, हर हालत में पानी देने की जरूरत है, और हमको इस बात की जरूरत है कि, और हमें इस बात में गर्व महसूस होना चाहिए कि हम वो जगह से, उस प्रदेश से आते हैं कि जहां पर, यहाँ इतनी बोलियां हैं, यहाँ पे चित्रकला इतनी समृद्ध है। किशनगढ़ शैली सब कौन नहीं जानता, बनी ठनी कौन नहीं जानता, जी जिसे मतलब, और यहाँ का खान पान कितना समृद्ध है, यहाँ की वेशभूषाएं कितनी आकर्षक है, यहाँ का रंग कितना खूबसूरत है, इतने ब्राइट कलर्स होते हैं, यहाँ साफे किस तरह बनते हैं, अलग अलग तरह की पगड़ियां किस तरह बांधी जाती हैं, यहाँ जी पे किस तरह के लहंगे और जो उसके दुपट्टे के कितने तरीके हैं यहाँ पर पहनने के, तो यहाँ पर आपको किस तरह के संगीत मिल जाता है, और ये फिर तो ये इतनी बड़ी समृद्धि है। जैसे हमने बचपन में सिर पे घड़े वड़े लेकर और सारे वो 13 ताली और ये हाथ में मंजीरा लेकर भी हमने बहुत किया और ये हाँ सब सीखा, ये सब नाचा है हमने, और इसमें बहुत मजा आया करने में, और आज आज बड़ी बड़ा संतुष्टि लगती है कि हाँ ये हम कर पाए, ये हम सीख पाए। जी बिल्कुल, क्योंकि इन सब के ट्रेनिंग लेने के लिए लोग स्पेशली राजस्थान आते हैं और उनके पास वेन्यूज है। लेकिन जब उनको यहाँ पर फोक के साथ अगर क्लासिकल के भी सेंटर्स मिल जाएं, ट्रेनिंग सेंटर्स मिल जाएं, वेन्यूज मिल जाएं, फेस्टिवल मिल जाएं, तो मतलब उन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। राजस्थान विल बी लाइक बिल्कुल वन जरूरत नहीं है, डेस्टिनेशन। मतलब आपको ये समझने की जरूरत है कि अगर आपको जयपुर घराना शास्त्रीय रूप में सीखना है, किसी भी फैकल्टी में, डांस में, म्यूजिक में, या पखावज में, या डागर में, डागर वाणी में, आपको जयपुर आना है, हाँ ये बात तय हो जानी चाहिए, और ये बिल्कुल संभव है, ये बिल्कुल बिल्कुल संभव संभव है। है अगर हम यहाँ पर एक कोशिश करके कुछ इस तरह की चीज क्रिएट कर सके कि जहाँ पर हम ये सारी कलाएं एक साथ, और बहुत सारे इनके जो प्रसिद्ध और इनके जो विद्वान लोग हैं उन लोगों को हम यहाँ ला सके, तो हाँ, मुझे लगता है वो बहुत जरूरी है। दैट बहुत इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट, पॉइंट। हाँ, बहुत उन इम्पोर्टेंट सबको हम वापस यहाँ लाएं, उनको जो भी उनकी खोई हुई जगह है, खोए हुए पहचान है, वो उनको वापस मिले। मुझे तो लगता है कि ये एक तरह का सबसे बड़ा कल्चरल टूरिज्म होगा, जी ये एब्सोल्युटली। कल्चरल टूरिज्म होगा, क्योंकि बाहर से लोग इस नाम से आएंगे केवल कि हम म्यूजिक सीखने या हम कथक सीखने जा रहे हैं और हाँ हम बिल्कुल राजस्थान जा रहे हैं। जी, क्योंकि जो कथक के बारे में थोड़ा बहुत भी जानने की कोशिश करते हैं उनको ये समझ आ जाता है कि अगर कथक सीखना है और कथक के जो विभिन्न घराने हैं उनमें से भी जब वो उसके बारे में पढ़ते हैं तो उनकी रुचि सबसे ज्यादा जयपुर घराने में होती है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जी, आज अगर आप देखें तो फिल्म्स में सत्यजीत रे ने जैसलमेर को कैसा सेलिब्रेट किया है, एब्सोल्युटली जी। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, और तो ये मतलब आपकी आपकी तो मिट्टी में ऐसी खुशबू है, और मतलब एक तृप्ति मिलती है इसको देखकर, और इसको एक खुशबू इसकी लेकर, और यहाँ की हवा में ऐसी खुशबू है, तो हम क्यों नहीं उसका पूरा के पूरा लाभ उठा सकते हैं। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं कहीं कचोटता भी है, क्योंकि मैं प्रैक्टिशनर हूँ क्लासिकल आर्ट की, जयपुर घराने का कथक करती हूँ, मुझे लगता है कि जयपुर में वो जगह हमारे पास होनी चाहिए, और हम बना सकें, या तो हम बनाएं या कोई हमसे हमें मदद मिले तो हम उसको और क्रिएट कर सकते हैं। जी, और ताकि वो जिस जिस वातावरण की आप बात कह रहे हैं, वो जो कल्चरल एनवायरनमेंट जिसमें आप पले बढ़े हैं, वो जो कल्चरल सेंसिटिविटी समाज में बचपन से ही पैदाइशी ही
लोगों को प्राप्त हो जाती है, वो एक बार वापस से यहाँ की आबो हवा में सबको प्राप्त हो। जी भाई, जैसे जैसे कहते हैं ना कि आपको किसी भाषा को सीखने के लिए उस भाषा के एनवायरनमेंट में रहना पड़ता है, उसको सुनना पड़ता है। आप जितना सुनते हैं, जितना देखते हैं, आप उतना समझते हैं और उतना जल्दी बोलने और उसे बरतने लगते हैं। तो वही बात है, वही बात इन शास्त्रीय कलाओं के साथ है, क्योंकि ये भी सब भाषाएं हैं। इन सारी भाषाओं को अगर आप सोचें कि जयपुर घराने की गायकी और आप यहाँ पे आमेर में बैठ के सीख रहे हैं, हाँ बिल्कुल, या आप किसी किले के एनवायरमेंट में बैठकर सीख रहे हैं और ख्याल गायकी सीख रहे हैं, या आप नृत्य कर रहे हैं किसी उस जगह जाकर, तो मुझे लगता है कि वो तो द्विगुणित हो जाएगा। वो तो ब्लिस, दैट्स सो एनरिचिंग। इनफैक्ट इसमें मैं थोड़ा सा ये बात भी जोड़ना चाहूंगी कि जैसे हम अपने दक्षिण की तरफ देखें, दक्षिण भारत में या वहाँ की जो शास्त्रीय कलाएं हैं, ये वही बात है कि वहाँ हर परिवार में अगर लड़की है तो वो किसी ना किसी नृत्य कला या संगीत से जुड़ी होगी, लड़का है तो वो किसी चित्रकला या संगीत से, किसी ना किसी माध्यम से वो एक सीरियस आर्ट फॉर्म के साथ जुड़ते हैं। और वही जब वो बड़े होते हैं तो वही उनके इंटेलेक्ट में, उनके कार्य में और उनकी शैली में हमें देखने को मिलता है। बिल्कुल ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। सो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन तो शायद आज हमने यहाँ शुरू किया है, बट इट्स अनएंडिंग। और आज आपसे जो इतने सारे इनपुट्स हमें मिले हैं, और मुझे लगता है सभी दर्शकों ने इसका आनंद उठाया होगा, और जो बहुत सारी विषय या बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमने छोड़े हैं, बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस, बहुत सारी एस्पिरेशंस हमने जो छोड़ी हैं, शायद आज कुछ वो एक बीज वहाँ पनपे और इससे कुछ प्रफुल्लित हो, कुछ फूटे, कुछ पनप पड़े और हम सींच सकें राजस्थान को। और अंत में दीदी आपसे ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आप कहाँ क्या देखते हैं, किस तरह से शास्त्रीय कलाओं को, राजस्थान की विरासत और इतिहास तो इतना बड़ा है जो इस 30 मिनट के कॉन्वर्सेशन में शुरू भी नहीं हो सकता ढंग से लेकिन फिर भी आपने इतना सारा हमें समय दिया और आपने इतना कुछ इतने कम समय में हम सबको बताया इसकी विधाओं के बारे में, कलाओं के बारे में, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। आप शास्त्रीय कलाएं जो आज राजस्थान में लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए आप किस तरह से राजस्थान और उन एस्पिरेंट्स को जोड़ते हैं और किस तरह से आप भविष्य देखते हैं? देखो, मैंने जैसे अभी कहा, अब मैं इस कोरोना काल में जो कि अभी चल रहा है, इसमें मैं जयपुर आ गई हूँ और मैं जयपुर में काम करना चाहती हूँ, और यहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सभी लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ, इसमें कोई शक नहीं है। और इतने सारे बच्चे सीखते हैं, जो न्यू जनरेशन है वो जिस तरह यहाँ सीख रही है, उन सबको यहाँ पर ये मौका होना चाहिए कि वो उन सब कलाकारों को भी देख सकें जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत काम कर लिया। क्योंकि जब आप अपने से ज्यादा और अपने से अनुभवी लोगों को देखते हैं तो आप प्रेरणा मिलती है आपको उससे, जी, और मेरे ख्याल से उसकी सख्त जरूरत है। और यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा, अधिक से अधिक प्रदर्शन हो सके, अधिक से अधिक ट्रेनिंग सेंटर्स बन सके। ट्रेनिंग सेंटर्स तो यहाँ बहुत हैं, गली गली में खुले हुए हैं, हमने ऐसा देखा है कि लोग बहुत, और कितनी इंटरेस्टिंग बात है, जैसा हम लोक और शास्त्री की शुरू से बात कर रहे हैं कि आपको कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा कि आप राजस्थानी नृत्य सीखे, गिटार सीखे, ये सीखे और कथक भी सीखे, यू नो, वो लिस्ट में कथक भी उसके साथ शामिल है। नहीं, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि कथक आपके अंदर इस तरह समाया हुआ इन यू। हाँ जी, इट्स नॉट डिफरेंट, इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट, यू नो, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसको, इसी को नर्चर करने की जरूरत है, जब इसी को नर्चर करने की जरूरत है, मुझे लगता है कि यहाँ के, यहाँ जितने लोग सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, उन सबको शुभकामना है मेरी। और वो सारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। यहाँ राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी अब इसका सब्जेक्ट खुल गया है और ये बहुत जरूरी था। Absolutely, और यहाँ पर मतलब अगर कोई कथक में अगर करना चाहता है अपना मास्टर डिग्री, तो वो राजस्थान यूनिवर्सिटी आए, ये भी एक बड़ी बात है। हाँ, जी, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मुझे लगता है कि उन सबके लिए एक ऐसा जगह बने जहाँ पर कलाकार लगातार आते जाते रहे बाहर से, जिन्हें देखा जा सके,
उनको सुना जा सके, उनके वर्कशॉप्स अटेंड किए जा सके और उनसे वन टू वन बातचीत हो सके, क्योंकि जितना आप कलाकार से बात करते हैं, उनके सानिध्य में रहते हैं, आप ज्यादा समझ पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इस सब की जरूरत है और ये बिल्कुल संभव है। अब कैसे होगा मुझे अभी नहीं मालूम, क्योंकि मैं अभी बहुत वर्षों बाद वापस राजस्थान लौटी। नहीं दीदी, हम सब लोगों को साथ मिलके करना पड़ेगा, कलाकारों को, साधकों को, गुरुओं को और समाज से हमें जो भी सपोर्ट मिल सके, उन सबको साथ आना पड़ेगा और इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि एक जो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि जब आप शास्त्रीय कलाओं को साधने में जुट जाते हैं तो फिर आप जीवन में कुछ और नहीं कर सकते, आप यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन इन लाइफ। तो अगर आप शास्त्रीय कलाओं के साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो यू रियली नीड दोज राइट प्लेटफॉर्म्स, और आपको अपनी जगह पे वो अगर प्लेटफॉर्म मिल जाए तो यू डोंट हैव टू लीव योर प्लेस। मनीषा, ये सिर्फ कलाओं के लिए नहीं है, आप कुछ भी जीवन में अगर करना चाहते हैं वो सारा आपके आपको उसमें अपने आप को डेडिकेट करना पड़ता है। जी बिल्कुल, आपको मैं हमेशा बोलती रहती हूँ कि तीन डिसिप्लिन चाहिए, तीन बीस चाहिए आपको, कि डेडिकेट करिए, डिसिप्लिन रहिए और डिवोशन रखिए। जब ये तीनों चीजें होती हैं तो ही आपकी चीज आगे बढ़ती है। फिर आप चाहे किसी भी फील्ड में, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप म्यूजिक या डांस में हैं, अगर आप आईटी में काम कर रहे हैं या आप इंजीनियरिंग में काम कर रहे हैं, आपको इस सब की जरूरत पड़ी है, बिकॉज यू हैव टू कम्प्लीटली डिवोट योरसेल्फ एंड कॉन्सेंट्रेशन योरसेल्फ। तो ये जरूरी है, इसलिए मुझे लगता है कि ये तो सब पे समान रूप से है, फर्क सिर्फ इतना सा है कि जो आर्ट कला कलाकार जो है वो कला करता है तो वो निस्वार्थ भाव से करता है, उसे उसके रिटर्न का नहीं मालूम है कि मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसीलिए उसको संरक्षण की जरूरत है, इसीलिए समाज की जिम्मेदारी है कि वो उसका संरक्षण करे। बिल्कुल जी, बिल्कुल। इतनी सुंदर नोट पर मुझे लगता है कि हम अपने इस कॉन्वर्सेशन को यही विराम देते हैं, क्योंकि हमारे पास 30 मिनट का समय था और शायद 30 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच प्रेरणा दी, थैंक यू सो मच फॉर आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया और इतना सब कुछ आपने इतने कम समय में हमें बताया। थैंक यू सो मच राजस्थान टूरिज्म। मुझे अच्छा लगा कि राजस्थान टूरिज्म ने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस पे हम जी इस तरह बात कर सकते हैं। सो थैंक्स टू राजस्थान टूरिज्म आल्सो एंड थैंक्स टू यू मनीषा। Good conversation. Thank you so much, Dee. And thank you so much, Rajasthan Tourism, once again, for having this wonderful Rajasthan Diaries. और हमें आशा है आप इसी तरह से अलग अलग पहलुओं को दर्शकों के सामने लाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you.